नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश राज, आप देख रहे हैं अर्जेंट टेक्नोलॉजी। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडो को अपनी सीडी द्वारा कैसे डालेंगे, विंडो बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम को सीडी द्वारा इंस्टॉल कैसे करेंगे। जैसे कि सबसे मेन पॉइंट हमारे पास आता है, जब भी हम विंडो चेंज करते हैं अपनी या कहीं ऑपरेटर से चेंज करवाने जाते हैं तो डाटा लॉस्ट का, कि हमारे कंप्यूटर में जितना भी डाटा है वो चला जाएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम सीडी द्वारा विंडो डालने के बाद भी हमारा डाटा नहीं जाएगा, पूरा डाटा सेफ बना रहेगा हमारे सिस्टम में। तो इससे जो पिछली बड़ी वीडियो थी जो अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब पे, लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें मैं आपको बता चुका हूं कैसे हम यूएसबी को बूटेबल बना के अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में विंडो चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में कुछ डिमांड आई थी कि सीडी से बताइए, तो मैं सीडी से बता रहा हूं कि सीडी से हम कैसे विंडो अपने कंप्यूटर में चेंज करेंगे। तो जैसे कि मेरे पास एक लैपटॉप आया है विंडो चेंज करने के लिए, तो मैं उसमें आपको करके दिखाता हूं कि कैसे हम सीडी द्वारा अपने विंडो चेंज करते हैं और हमारा डाटा भी लॉस्ट नहीं होगा। और दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि पूरी वीडियो को आप देखना, एक भी स्टेप मिस मत करना, नहीं तो दिक्कत हो सकती है आपके सिस्टम के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे हम अपने सिस्टम को पहले ऑन कर लेते हैं, तो जैसे हम ऑन करेंगे हमें ध्यान रखना है कि F10 हमें बार बार प्रेस करते रहना है, करते रहना है 8-10 बार। जैसे आप प्रेस करोगे, ऑन होने से पहले ही प्रेस करने लगेंगे उसे, तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास। तो इसमें हम जो ये है सिस्टम वाला ऑप्शन है लास्ट से सेकंड पे, इसके बाद हम जाएंगे बूट ऑप्शन पे। बूट ऑप्शन पे जाने के बाद हम बूट ऑर्डर पे जाएंगे। ये एरो की से हम ऊपर नीचे कर सकते हैं बूट ऑर्डर में, क्योंकि हम अपनी सीडी से विंडो डाल रहे हैं, तो हम सीडी और सीडी के साथ जो की आएगी, ये जैसे कि इस पे की लिखी है, इसको हम पहले नोट डाउन कर लेंगे। कुछ सीडी के साथ की नहीं आती है तो वो डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाती है, इसके साथ की है तो हम पहले से लिख के रख लेंगे इसे। अब सीडी डाल लेंगे, उसके बाद हम इसका जो बूट ऑर्डर होगा, मतलब जो बूटिंग होगी उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो किस से होगी, हमें सीडी से करनी है तो सीडी सिलेक्ट करनी होगी। तो F5 और F6 इससे हम ऊपर नीचे कोई भी ऑर्डर दे सकते हैं। जैसे हमने ऊपर इंटरनल सीडी रोम ऊपर कर दिया है और F10 दबा के इसको क्लिक करके सेव एंड एग्जिट कर देंगे। तो अब हमारी सीडी प्ले होगी। यहाँ लिखा आएगा प्रेस एनी की, हमें कोई सा भी बटन दबा देना जल्दी से, तो हमारी सीडी जो है वो बूटिंग होने लगेगी। तो अब बूटिंग चल रही है, सीडी आपकी घूमने लगेगी। अब तो देख रहे हैं, अब इसके बाद सेटअप आएगा, आपका सेटअप हो जाएगा, सेटअप स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ लैंग्वेज आएगा, तो लैंग्वेज नॉर्मल वही बाई डिफॉल्ट इंग्लिश है, इंग्लिश ही रहने दीजिए। नेक्स्ट करिए, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करिए। अब सेटअप इज स्टार्टिंग। अब यहाँ जो हमने की ली थी, जैसे कि मैंने नोट डाउन करके रख ली थी, वो की अपनी हम डाल देंगे। कोई कोई आप अगर विंडो लाओगे, ये पायरेटेड विंडो होती है, ओरिजिनल तो नहीं है, खैर आप लाओगे तो उसमें आपके में किसी में की नहीं मिलेगी, तो वो डायरेक्ट यहाँ ये ऑप्शन नहीं आएगा। अब नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ आई एसअपडेट पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ अपग्रेड और कस्टम पे दिया हुआ है, कस्टम पे क्लिक करेंगे हम। और अब यहाँ हमारा मेन पॉइंट है कि हमें वो वाली अपनी ड्राइव चुननी है जिसमें हमें जो हमारी पहले विंडो थी सी ड्राइव थी जो हमारी, या तो हम पहले देख लेंगे कि हमारी कितने जीबी की थी सी ड्राइव। तो मेरी जैसे ये 74 जीबी की थी, तो हम इस पे क्लिक करेंगे, उसी को सिलेक्ट करना है और इस पे उस पे ऑप्शन पे जाके इसे फॉर्मेट कर देंगे, ओके कर देंगे। तो ये वाली ड्राइव ही हमें फॉर्मेट करनी है, ध्यान रखना है, जो सी ड्राइव। और आपका डाटा जो भी डेस्कटॉप पे होगा वो चला जाएगा सिर्फ, बाकी आपका डाटा नहीं जाएगा। तो हम उसी ड्राइव को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। अभी आपके में जो कॉपी विंडो फाइल है ये कंप्लीट हो जाएगी 100%, गेटिंग फाइल रेडी ये भी इंस्टॉलेशन 100% हो जाएगा कंप्लीट। जैसे मेरे ये विंडो सॉरी वीडियो है वो कट कर करके बनाई है और थोड़ी जल्दी करके बनाई है, इतनी जल्दी तो विंडो नहीं पड़ने वाली है खैर सिस्टम में, लेकिन फिर भी जल्दी 20 मिनट का टाइम तो लेगी। तो देख सकते हैं, अब मैंने वीडियो रोक के थोड़ा ये आगे बढ़ाया था, पूरी हो गई है प्रोसेस, इंस्टॉलिंग फीचर्स पूरा हुआ, इंस्टॉलिंग अपडेट पूरा हो जाएगा, हो गया, अब फिनिशिंग ऑफ। इस प्रोसेस में आपका कम से कम 10 मिनट तो लग ही सकता है। अब इसके बाद सिस्टम रीस्टार्ट होगा, और एक इस प्रोसेस के टाइम पे आपका सिस्टम 4-5 बार ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होगा। अब जब रीस्टार्ट होगा तो हमें यहाँ लिखे ना, तो हमें F10 दबाना है, अब हमें कुछ नहीं छेड़ना, अब अगर हमने छेड़ा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब प्रेस एनी की लिख के आएगा, वो भी हमें की नहीं दबानी है, कोई भी की, जैसे ये लिख के आया हमें कोई की नहीं दबानी है, अब डायरेक्टली चलने देना है, जो भी चलेगा अपने आप चलने देना है हमें। दोबारा से विंडो बूटिंग होने लगी, अब ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप चूज कर लिया उसने, और हमें मतलब फिलहाल कुछ नहीं करना, आगे स्टेप आएंगे वो मैं बता दूंगा आपको क्या करना है। गेटिंग डिवाइस रेडी, ये भी 100% होगा आपका, इसके बीच में भी एक बार सिस्टम आपका बंद होगा,
जैसे अब बंद हो गया, अब फिर से आपका स्टार्ट होगा। अब देखिए 100% हो जाएगा, हो गया 100%। अब फिर रिस्टार्ट हो रहा है, हमें फिर कोई की नहीं दबानी, ऑटोमेटिक होने देना है। और हमें ये ध्यान रखना है जब ये विंडो डालेंगे तो हमें डेस्कटॉप से सारा डाटा हटा देना है, नहीं तो डेस्कटॉप वाला डाटा चला जाएगा, क्योंकि डेस्कटॉप पे जो डाटा होता है वो आपका सी ड्राइव में डाटा होता है। अब देखिए अब पर्सनलाइजेशन आया है, अब यहाँ अपना पीसी का नेम दे देंगे, पीसी का नेम वो देंगे जो हमें रखना है फाइनल, बीच में स्पेस या कॉमा नहीं लगाएंगे, ये हम नाम बदल नहीं सकते, बाद में नेक्स्ट कर देंगे। पीसी नेम चेंज नहीं होता है ये ध्यान रखिएगा, तो अपना सोच समझ के दीजिएगा। अब यहाँ कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे, सारी सेटिंग नेक्स्ट 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 करते जाएंगे, बाय डिफॉल्ट सेट रहने दीजिए। और यहाँ भी यूजर नेम, यूजर नेम हम अपना डाल देंगे, जो भी हम डालना चाहें इसमें, आप स्पेस कॉमा वॉमा जो भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, ये बाद में भी चेंज कर सकते हैं आप। जैसे कि हम अपना यूजर नेम यहाँ दे देते हैं, जैसे हमने दे दिया राज भाई डीबी, पासवर्ड दे देंगे, दोनों जगह पासवर्ड कन्फर्म कर देंगे, पासवर्ड हिंट दे देंगे और नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। अब फाइनलाइजिंग और सेटिंग इस प्रोसेस में आपकी 15 मिनट लगेंगे, और इसी बीच हमें अपनी सीडी निकाल के रख देनी है। अब सीडी का कोई काम नहीं है, फालतू में सीडी घूमती रहेगी, प्रोसेस होती रहेगी, तो हम अपनी सीडी निकाल के अलग रख देंगे, या आप यूएसबी सी डाल रहे हैं तो इसी बीच आप अपनी यूएसबी भी निकाल के रख देंगे। अभी फाइनलाइजिंग और सेटिंग चलेगी, अभी सेटिंग होने के बाद हाई वाइल वी आर गेटिंग रेडी चेकआउट द न्यू वेज टू यूज विंडो, ये सारी प्रोसेस है आपकी। इसमें भी आपका 15 मिनट, तो 15 से 20 मिनट आराम से लगना है। मैंने वीडियो कट कर दी है, आप ये ना सोचिएगा कि आपका सिस्टम स्लो है, स्लो स्लो वीडियो डाल रहा है, कि हमने उनकी वीडियो देखी थी उसमें तो बहुत जल्दी विंडो पड़ गई थी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसमें भी बहुत टाइम लगा था इंस्टॉलिंग ऐप, यहाँ प्रोसेस में भी आपका बहुत टाइम लगेगा। ऑटोमेटिकली जो इनबिल्ट आपकी ऐप दी हुई होती है विंडो में, जैसे नोट पैड वगैरह है, वर्ड पैड, वो अपने आप इंस्टॉल हो जाती है। अब लेट स्टार्ट, अब विंडो हमारी फाइनल पड़ चुकी है, बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे में इंस्टॉल हो गया है। हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, यहाँ अपना हम माई कंप्यूटर का आइकन नहीं आया है, उसको हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे कर लेंगे, चेंज डेस्कटॉप आइकन, कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे, ओके कट कर देंगे ऐसे। अब हम कंप्यूटर अगर खोल के देखते हैं माई कंप्यूटर को, तो इसमें आप देख सकते हैं सी को छोड़ के बाकी सारी ड्राइव डी ई और एफ तीनों ही ड्राइव में पूरा पूरा डाटा आपका सेफ है, डाटा डिलीट नहीं हुआ है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, फैमिली इमेज खोल के दिखा देता हूँ, थोड़ी परमिशन देनी पड़ेगी एक बार, क्योंकि न्यू विंडो पड़ी है। देख सकते हैं सारे फोटो हैं, और सब में ही तीनों ड्राइव में ही डाटा आपका पूरा है, डाटा नहीं जाएगा। ठीक है, आप सी ड्राइव का भी डाटा बचा सकते हैं, मतलब डेस्कटॉप का भी बचा सकते हैं, उसकी भी प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को लेकर अगर आपका कोई सुझाव है या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए, या कुछ स्टेप समझ में नहीं आए तो वो भी आप वीडियो के नीचे बता सकते हैं, कोशिश करूंगा कि जल्दी मैं उनका आंसर दूं। चलिए दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, अगली बार मिलेंगे एक नई टेक्नोलॉजी टिप्स के साथ, तब तक के लिए दोस्तों भाई अपना ख्याल रखिए, बने रहिए आज टेक्नोलॉजी के साथ।